नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिंतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल ट्रिक से कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल लिखा गया है, इस एग्जांपल को लगा करके इस ट्रिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। अब इसके लिए कुछ बेसिक समझ हमको होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है एक से लेकर के दस तक की संख्याओं का घन लिखा गया है, तो यहाँ से एक पैटर्न मिलता है, वो चीज़ हमको पता होना चाहिए। जैसे एक देखें तो एक चार पाँच छ और नौ, ये पांच संख्याएं इसमें से ऐसी हैं, यदि इनका हम घन करें तो घन करने पे यूनिट प्लेस पर वही अंक मिलता है। जैसे एक का घन करेंगे, कोई भी संख्या है यदि इकाई के स्थान पे एक है तो उसका घन करने पे भी इकाई का स्थान एक ही आएगा। उसी तरह से चार रहेगा इकाई की जगह पे तो घन करेंगे तो चार ही आएगा। तो ये रिपीट होते हैं, वही सेम आते हैं, ये बदलते नहीं हैं। दूसरी चीज़, इसके अलावा जो संख्याएं बच रही हैं दो तीन सात और आठ, दो तीन सात आठ, ये संख्याएं अगर जो इकाई की जगह पे हैं तो उसका यूनिट प्लेस बदलता है। अब देखिएगा कि दो रहेगा यदि इकाई के स्थान पे तो घन करने पे इकाई के जगह पे आठ आएगा। तो यहाँ से यदि दो का घन करेंगे तो क्या आ रहा है, आठ आ रहा है। यदि आठ का घन करते हैं तो आप देख रहे हैं इकाई के जगह पे दो आ रहा है, तो दो का आठ आएगा और आठ का दो आएगा, यानी ये एक दूसरे से रिप्लेस होते हैं। दो का घन करेंगे तो इकाई की जगह पे आठ आएगा और आठ का घन करेंगे तो इकाई की जगह पे दो आएगा। इसी तरह से यदि हम तीन का घन करेंगे तो देखेंगे इकाई की जगह पे सात आएगा और सात का घन करेंगे तो इकाई की जगह पे तीन आएगा। तो इस तरह से इसको भी हम याद कर सकते हैं, दो का घन करने पे इकाई की जगह पे आठ, आठ का घन करने पे दो, तीन का घन करने पे सात, सात का घन करने पे तीन आएगा। और ये नहीं बदलेगा, यदि इकाई की जगह पे एक चार पाँच छः नौ है तो वह इकाई का स्थान घन करने पे नहीं बदलेगा। तो ये इतनी समझ हमको यदि है और एक से लेकर के दस तक की संख्याओं का घन हमको यदि याद है तो आप देखेंगे कि छः अंक की सबसे बड़ी जो घन पूर्ण घन संख्या है उसका घनमूल हम दो सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, एक बार दो बार लिख करके आप इसको याद करेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। एक का क्यूब एक, दो का क्यूब आठ, तीन का क्यूब सत्ताईस, चार का क्यूब चौंसठ, पाँच का क्यूब एक सौ पच्चीस, छः का क्यूब दो सौ सोलह, सात का क्यूब तीन सौ तिरालीस, आठ का क्यूब पाँच सौ बारह, नौ का क्यूब सात सौ उनतीस, दस का क्यूब एक हज़ार। अब यदि ये यहाँ तक हमको पता है तो ये देख रहे हैं कि छः अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी गई है जो पूर्ण घन है, इसका भी घनमूल हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें ट्रिक क्या है। तो जिस तरह से वर्गमूल में हमने बताया था कि इकाई की तरफ से दो अंक लेकर के उसका एक जोड़ा बनाते हैं, तो इसी तरह से घनमूल की बात करें तो घनमूल में हम दाहिने तरफ से यानी इकाई के तरफ से तीन अंक लेकर के जोड़ा बनाएंगे। और तीन अंक लेकर के यदि हम जोड़ा बनाएं तो एक अंक यहाँ पे बच जा रहा, इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब ये जो तीन अंक आया इसमें इकाई के स्थान को केवल हम देखेंगे, बाकी दो स्थान नहीं देखेंगे, केवल और केवल इकाई के स्थान को देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो पाँच आ रहा है, ये पाँच कब आ सकता है, किस संख्या का घन करने पे इकाई की जगह पे पाँच आ सकता है? तो जब इकाई की जगह पे पाँच रहेगा तो पाँच का घन करने पे ही पाँच आएगा, यानी यहाँ पे पाँच का घन करने पे ही पाँच आया होगा। तो इसके लिए हमको इकाई का स्थान पता चल गया कि ये पाँच होना चाहिए, पाँच के अलावा कुछ भी रहेगा तो इकाई की जगह पाँच नहीं आएगा। अब इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो तीन है, हम तीन को देखेंगे कि तीन के जस्ट पहले कौन सी पूर्ण घन संख्या है और वह किसकी घन है। तो तीन के पहले जो पूर्ण घन संख्या है आप देख रहे हैं एक है, और एक किसका घन है, तो इस एक का है, तो यही एक यहाँ पे लिखा जाएगा। यानी यदि हम पंद्रह का घन करें तो यह इतना आएगा और इसका घनमूल निकालें तो ये पंद्रह आएगा। अब फिर से नेक्स्ट एग्जांपल में हम और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे अब फिर वही काम, तीन अंक ले करके एक जोड़ा बनाएंगे। तो तीन अंक ले लिए तो यहाँ तक हमने ले लिया, बत्तीस बच गया, बत्तीस को छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका यूनिट प्लेस देखेंगे, इकाई का स्थान देखेंगे कि ये आठ है, तो आठ कब आएगा,
आठ तब आएगा जब इकाई की जगह पे दो रहा होगा, उसका घन किया गया होगा, तब आठ आया होगा। क्योंकि यहाँ पे अभी आपको बताया गया कि जब दो रहेगा तो आठ आएगा, दो रहेगा तो इकाई की जगह पे आठ आएगा। तो यहाँ आठ है, इसका मतलब दो रहा होगा, तो यहाँ पे इकाई की जगह पता चल गया कि ये दो है। अब इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 32, 32 के जस्ट पहले कौन सी पूर्ण घन संख्या है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 32 के जस्ट पहले 27 है, 32 के बाद 64 है, और 64 के पहले 27 है, यानी 32 के पहले 27 है। तो 27 किसकी घन है, वही संख्या यहाँ पे लिखनी है। तो 27 किसका घन है, 3 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़े जल्दी से हो जा रहा है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में भी वही काम करेंगे, इकाई की तरफ से 3 अंक ले करके उसका एक जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ से 3 अंक ले लिए। अब जब 3 अंक ले लिए तो ये 97 बच जा रहा है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे केवल हम इकाई को ध्यान में रखेंगे। इकाई के जगह पे 6 है, तो जब 6 रहेगा तभी तो घन करने पे 6 आया होगा। तो यानी 6 है तो 6 के लिए 6 ही लिखेंगे, क्योंकि 6 रहेगा तो घन करने पर 6 ही आएगा। तो ये इकाई का स्थान पता चल गया। अब इस 97 को देखेंगे, तो 97 के तुरंत पहले कौन सा पूर्ण घन है, तो 97 के तुरंत पहले पूर्ण घन क्या है, 64 है, क्योंकि उसके बाद 125 आ जाता है। तो 97 के पहले 64 है, तो 64 किसका घन है, 4 का है, तो यहाँ पे हम केवल 4 लिखेंगे। इसी तरह से यदि इसको देखा जाए तो 3 अंक ले लेंगे, और इसका इकाई का स्थान 3 है, तो 3 कब आया होगा, जब 7 रहा होगा, क्योंकि अभी बताया गया है 3 से 7 आता है, 7 से 3 आया है। तो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब 7 रहा होगा, तभी उसका घन करने पे 3 आया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 हो गया। अब ये इसका काम खत्म हो गया, ये बचा 300। अब 300 के जस्ट पहले कौन सी पूर्ण घन संख्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 300 के जस्ट पहले 216 है, तो 216 किसका घन है, 6 का है, तो ये 6 हो जाएगा। इसी तरह से यदि यहाँ पे देखा जाए तो इसको ले लेंगे 3 अंक, और ये 3 अंक बच जाएगा। अब यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 9 कब आ सकता है घन करने पे, जब 9 रहेगा इकाई की जगह पे, तभी घन करने पे 9 आ सकता है। 704 है, तो 704 के तुरंत पहले कौन सी पूर्ण घन संख्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 704 के पहले क्या है, 512 है, इसके बाद 729 आता है, तो हमको 704 के पहले का देखना है, तो 512 है, तो 512 किसका घन है, 8 का, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट में है आपका ये 3 डिजिट अगर जो लेते हैं, तो इकाई के जगह पे 2 आएगा। इकाई के जगह पे 2 कब आ सकता है, जब 8 रहेगा तभी 2 आ सकता है, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि 8 से 2 आता है, 2 से 8 आता है। तो यहाँ से इसके लिए 8 हो गया, इकाई का स्थान पता चल गया। 941 बच रहा है, 941 के जस्ट पहले कौन सी पूर्ण घन संख्या है, तो 941 के पहले 729 आएगा, क्योंकि उसके बाद 1000 आ रहा है, तो 729 किसका घन है, 9 का, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो आपने देखा कि 6 अंक की बड़ी से बड़ी जो पूर्ण घन संख्या है, उसका भी घनमूल आप स्टिक मेथड से 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो यदि इससे आगे की संख्याओं का अगर जो आपको घनमूल निकालना है, तो थोड़ा सा और आपको घन याद करना पड़ेगा। ये 10 तक का घन है, आप 20 तक का घन याद रखेंगे तो मैक्सिमम संख्याओं का आप घनमूल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे इतना 6 डिजिट सफिशियंट होता है एग्ज़ाम में, इससे बड़ा नहीं आता है। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी कुछ इससे सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें।